अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। शेगांव से अकोला आ रही शिवशाही बस को 6 नंबर हाईवे के तुषार होटल के पास आग लग गई, जिससे बस जलकर खाक हो गई। शेगांव से अकोला आ रही शिवशाही बस को महामार्ग क्रमांक 6 के तुषार होटल के पास भीषण आग लगने से बस जलकर खाक हो गई। इस बस में 44 यात्री थे। बस चालक की सतर्कता से यात्रियों की जान बच गई। बता दें कि बस चालक गाड़ी चला रहा था, अचानक जलने की स्मेल आने से चालक ने बस को रास्ते के किनारे खड़ा कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला और देखते ही देखते बस को आग लग गई। बस चालक ने रास्ते पर चलने वाले टैंकर से सिलेंडर लेकर उस सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास किया, किंतु आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। नागरिकों ने भी बस चालक की मदद की, लेकिन आग को काबू नहीं किया गया, जिसके चलते शिवशाही बस जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि इस बस में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बस शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। गाड़ी नंबर 17 अकोला 2 की गाड़ी है। मैं चालक हूं, उसके ऊपर शेगांव से अकोला आ रहा था। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? गाड़ी में बांस आ रही, बांस आई थी। मैंने गाड़ी खड़ी किया, खड़ी करने के बाद थोड़ी चिंगारी दिखी, फिर पैसेंजर को एसी बंद किया, फिर एसी बंद करने वो गाड़ी हैंडब्रेक बंद किया, सब प्रवासी को बाहर नीचे उतार दिया। नीचे उतारने के बाद आग बढ़ती बढ़ती गई तो सिलेंडर के बाद 4 सिलेंडर फूटे, तो सिलेंडर टैंकर वाले से लिया, वो भी फूटे। बाकी वाले लड़के आए, 2-3 उन्होंने भी सिलेंडर फूटा।